सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली को लूला लंगड़ा कहने पर सियासी बवाल मच गया है। जूली को पूर्व विधायक जयराम जाटव ने लूला लंगड़ा बता दिया। इसका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है। जूली समर्थकों ने मामले की निंदा करते हुए पूर्व विधायक से माफी मांगने की मांग की है। मामले के तूल पकड़ने पर पूर्व विधायक जयराम जाटव सफाई दी कि मैंने नहीं कहा, गांव वालों ने कहा था। खबरें अभी तक वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। पूर्व विधायक जाटव शनिवार को उमरेड़ पंचायत समिति में गांव चंदबाग में मीटिंग में पहुंचे थे। इस दौरान ग्रामीणों के सामने भरी सभा में पूर्व विधायक ने मंत्री टीकाराम जूली को लेकर अशोभनीय शब्दों को प्रयोग किया। जाटव ने सफाई में कहा कि मीटिंग में वही बात दोहराई थी जो उमरेड़ गांव के लोगों ने वहां के प्रधान दौलत राम जाटव को कही थी। श्मशान घाट के काम को लेकर उमरेड़ के ग्रामीण प्रधान दौलत राम जाटव के पास पहुंचे थे तो प्रधान ने कहा कि काम हो जाएगा, एक बार बॉस से कहलवा दो। इस बार ग्रामीणों ने कहा था कि लूले लंगड़े कब से बॉस हो गए। पूर्व विधायक जयराम जाटव ने कहा कि मैंने ग्रामीणों की बात मीटिंग में दोहराई थी, मेरी भावना किसी को अपमानित करने की नहीं थी। हालांकि जाटव के बयान के बाद सर्व समाज दिव्यांग जन संस्थान में गहरा रोष है। जूली समर्थक उमरेड़ पंचायत समिति प्रधान दौलत राम जाटव और मालाखेड़ा प्रधान वीरवती ने माफी नहीं मांगने पर मुकदमा करने की चेतावनी दी है। फिलहाल मामले को लेकर किसी प्रकार का केस दर्ज नहीं कराया गया है।